सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, मोरेटोरियम 3 की डेट थी वो इस महीने पूरी होने वाली है। अगर आपके ऊपर बजाज का कोई लोन चल रहा है और आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो कैसे आप दोस्तों अपनी ईएमआई पे कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों हर महीने की 2 तारीख को बजाज की ईएमआई कटती है। बजाज की ईएमआई जो कटती है दोस्तों उसका टाइम 2 तारीख का होता है। तो दोस्तों आप कैसे एडवांस में किसी और के अकाउंट से अपनी बजाज की ईएमआई पे कर सकते हो? जी हाँ दोस्तों, अगर आपके अकाउंट बैलेंस नहीं है और दोस्तों आप चाहते हो कि आप अपनी ईएमआई किसी और के अकाउंट से पे करो वो भी एडवांस में, तो आप कैसे कर सकते हो वो भी अपने मोबाइल से। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा कि अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो आप कैसे अपनी बजाज की ईएमआई किसी और के अकाउंट से एडवांस में पे कर सकते हो, जिससे आपके अकाउंट से कोई बैलेंस ना कटे और अगर आपके अकाउंट में बैलेंस ना हो तो उस पर कोई चार्जेस ना लगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा कि आप कैसे किसी और के अकाउंट से अपनी ईएमआई को पे कर सकते हो, वो भी एडवांस में। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप बजाज की ईएमआई एडवांस पे करना चाहते हो तो आप उसे 4 तारीख से लेकर 24 तारीख तक बीच में कभी भी कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ना तो आप 4 तारीख से पहले कर सकते हो और ना ही आप 24 तारीख के बाद कर सकते हो। अगर आप 4 तारीख से पहले और 24 तारीख के बाद पेमेंट करोगे तो आपका पेमेंट आपके अकाउंट से कट जाएगा, लेकिन आपकी ईएमआई पे नहीं होगी। यानी कि आप अगर 4 तारीख से और 24 तारीख के बीच में पेमेंट करते हो तो आपके अगले महीने की ईएमआई एडवांस में पे हो जाएगी, लेकिन अगर आप 24 तारीख के बाद में पेमेंट करते हो तो आपका पेमेंट भी हो जाएगा और अगले महीने भी दोस्तों आपके अकाउंट से ही पैसे कट जाएंगे। क्योंकि दोस्तों 4 तारीख से लेकर और 24 तारीख तक का बीच का जो टाइम होता है इसमें आप एडवांस में ईएमआई पे कर सकते हो, तो वो आपके अकाउंट पे रजिस्टर हो जाएगी यानी कि उसमें फिल हो जाएगी। लेकिन आप 24 तारीख के बाद एडवांस में ईएमआई पे करोगे तो दोस्तों आपकी 2 तारीख की किस्त कटती है वो भी अगर आपके अकाउंट से कट जाएगी। और दोस्तों अगर आपके अकाउंट में पेमेंट नहीं हुआ तो आप पर चार्जेस लग सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो आपने एडवांस ई एम आई पे की है 24 तारीख के बाद वो ईएमआई के पैसे दोस्तों आपको 10 या 12 तारीख के बाद मिल सकते हैं, वो भी पता नहीं मिलेंगे या नहीं। तो दोस्तों ये बजाज के कुछ नियम हैं, जब आप एडवांस ई एम आई पे करोगे तो पे करते दम दोस्तों साफ लिखा हुआ होता है कि आप अपनी ईएमआई 24 तारीख तक पे कर सकते हो एडवांस में, अगर उसके बाद करोगे तो आपके अकाउंट से ही पेमेंट कट सकता है। तो दोस्तों मैं ले चलता हूँ आपको मोबाइल स्क्रीन पर और आपको पेमेंट करके दिखाता हूँ कि आपको क्या करना है। दोस्तों एडवांस में ईएमआई पे करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी बजाज एप्लीकेशन को ओपन करना है। आपकी जो एप्लीकेशन होती है बजाज फाइनेंसर, उसे आपको ओपन करना है। चलिए ओपन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा आपके सामने, तो आपको जाना है व्यू ईएमआई कार्ड लोन पर, जो यहाँ पर शो हो रहा है देखिए, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ देखिए दोस्तों आपके सामने आपकी वो सारी ईएमआई आ जाएंगी जो आपने बजाज से ले रखी हैं। आपने बजाज से लोन ले रखा है वो सारे लोन आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो दोस्तों मेरे करंट में 2 लोन चल रहे हैं जो आपको यहाँ पर शो हो रहे होंगे, जिनकी 2 ईएमआई अभी बाकी रह गई हैं। तो मैं आपको एडवांस ईएमआई पे करके दिखाता हूँ कि एडवांस में ईएमआई पे कैसे करते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं ऊपर वाली को पे करके दिखाता हूँ आपको। तो आपको पे नाउ पर क्लिक करना है। अब दोस्तों देखिए आपके सामने ये ऑप्शन आ रहे हैं कि आपको किस तरह की ईएमआई भरनी है। ये देखिए दोस्तों हमें भरनी है एडवांस पेमेंट में, हमें अपनी ईएमआई भरनी है, यानी कि हमें अपनी ईएमआई का एडवांस पेमेंट करना है। तो हमें एडवांस पेमेंट पर क्लिक करना है। अब दोस्तों फिर से आपको सामने आपकी ईएमआई आ जाएंगी जो आपको ऊपर चल रही हैं। तो मेरे जैसा कि मैंने आपको बताया मेरे ऊपर 2 लोन चल रहे हैं बजाज के, वो दोनों यहाँ पर शो हो रहे हैं और उन्हें कितनी किस्त और उन लोन की दोस्तों कितनी कितनी किस्त बाकी रह गई हैं वो भी यहाँ पर शो हो रही हैं। तो दोस्तों मैं ऊपर वाली को आपको पे करके दिखाता हूँ। तो हमें पे पर क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारे लोन की सारी डिटेल आ चुकी है, हमारा जो लोन नंबर है दोस्तों वो भी ऊपर शो हो रहा है, हमारी मंथली कितनी ईएमआई आती है वो भी आ रही है। और दोस्तों हम जो ईएमआई एडवांस पे कर रहे हैं वो किस मंथ की कर रहे हैं वो मंथ भी यहाँ पर शो हो रहा है, यानी कि हम अभी जो ईएमआई पे करेंगे वो एडवांस में कर रहे हैं। तो दोस्तों एडवांस में हम कर रहे हैं सितंबर महीने की, तो यहाँ पर शो हो रहा है। तो हमें यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है पहले, जो कि ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पर सितंबर ही है। दोस्तों नीचे मेरी ईमेल आईडी आ रही है जो बजाज में लगी हुई है, और उसके नीचे दोस्तों मेरा मोबाइल नंबर आ रहा है जो कि बजाज में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है मेरा। तो दोस्तों अब हमें यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए
आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आएंगे कि आप पेमेंट कितने तरीके से कर सकते हो। सबसे पहला जो ऑप्शन है दोस्तों वो आ रहा है डेबिट कार्ड का, यानी कि आप डेबिट कार्ड से कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों इंटरनेट बैंकिंग का, आप अपनी इंटरनेट बैंकिंग से भी यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। और तीसरा ऑप्शन दोस्तों यूपीआई का, यानी कि अगर आप यूपीआई आईडी से पेमेंट करना चाहते हो तो आप उससे भी कर सकते हो। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप किसी और के बैंक अकाउंट से कैसे ईएमआई पे कर सकते हो एडवांस में, तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जिसका भी बैंक में अकाउंट होता है, चाहे वो कोई भी हो, उसका डेबिट कार्ड ज़रूर होगा। तो हम डेबिट कार्ड को सिलेक्ट करते हैं क्योंकि दोस्तों इंटरनेट बैंकिंग और यूपीआई हर किसी के पास नहीं होती, लेकिन डेबिट कार्ड दोस्तों हर किसी के पास होता है। जिसे हम एटीएम कार्ड बोलते हैं वो हर किसी के पास होता है, जिसके अकाउंट होगा उसके पास एटीएम कार्ड ज़रूर होगा। तो हम डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं क्योंकि दोस्तों आपको किसी और के अकाउंट से पेमेंट करना है। जो आपका अकाउंट बजाज में लगा हुआ है उस अकाउंट में आपके अकाउंट में पेमेंट नहीं है, तो आप किसी और के अकाउंट से कैसे पेमेंट कर सकते हो एडवांस में वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो आपको डेबिट कार्ड पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर करने के बाद हमें पे नाउ पर क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे आप पे नाउ पर क्लिक करोगे आपके सामने अलग पेज ओपन हो गया आएगा। यहाँ पे सबसे ऊपर दोस्तों आपका अमाउंट लगा हुआ है कि आपकी जो ईएमआई आ रही है वो कितनी ईएमआई है, और अभी आप जो पेमेंट कर रहे हो आपकी ईएमआई का वो कितने पैसे हैं, कितने रुपए हैं। और नीचे दोस्तों आपको वो डिटेल डालनी है डेबिट कार्ड की, जिस किसी के अकाउंट से आप पेमेंट कर रहे हो उसके डेबिट कार्ड की आपको यहाँ पर डिटेल डालनी है। जैसा कि सबसे ऊपर कार्ड नंबर, यहाँ पर उसके नीचे दोस्तों इसमें मंथ डालना है, एक्सपायरी डेट मंथ और ईयर, और उसके नीचे दोस्तों आपको सीवीवी डालना है जो कि हमारे डेबिट कार्ड के पीछे लिखा हुआ होता है 3 नंबर का, वो आपको यहाँ पर डालना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर जिस किसी के भी अकाउंट से पेमेंट करना चाहता हूँ उसकी डिटेल डाल देता हूँ। तो मैं अपने दूसरे अकाउंट से पेमेंट करूँगा क्योंकि मेरे पास एक और अकाउंट है दोस्तों, उससे मैं आपको पेमेंट करके दिखाता हूँ। दोस्तों आप किसी के अकाउंट से कर सकते हो, आपको सिर्फ यहाँ पर कार्ड नंबर डालना है और यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर डिटेल भरता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने अपने कार्ड की सारी डिटेल यहाँ पर फिल कर दी है, अब मैं आपको मेक पेमेंट पर क्लिक करके दिखाता हूँ। दोस्तों हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, जिस अकाउंट की मैंने यहाँ पर डिटेल डाली है उस अकाउंट में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लगा हुआ है उस पर ओटीपी आया, तो ओटीपी मुझे यहाँ पर डालना है। चलिए मैं डाल देता हूँ। दोस्तों ओटीपी डालने के बाद हमें यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों देखिए हमारे पैसे अकाउंट से कट चुके हैं और बजाज कंपनी से मैसेज आ चुका है कि उन्हें हमारी ईएमआई रिसीव हो चुकी है, और दोस्तों यहाँ पे भी सक्सेसफुल का मैसेज आ चुका है। तो दोस्तों जब भी आप किसी के अकाउंट से पेमेंट करो तो जब आप उसकी कार्ड डिटेल डालोगे तो जो ओटीपी आएगा दोस्तों वो उसी के मोबाइल नंबर पर आएगा, ना कि आपके मोबाइल नंबर पर, क्योंकि दोस्तों आप जो डिटेल डालोगे वो आप किसी और के डालोगे तो ओटीपी दोस्तों उसी नंबर पर आएगा जो उसके अकाउंट में लिंक होगा। तो अभी जो मैंने डिटेल डाली दोस्तों वो मेरा दूसरा अकाउंट था जिसमें मेरा ही नंबर लगा हुआ था, इसलिए मेरे फ़ोन पर ही ओटीपी आ गया था। लेकिन जब आप पेमेंट करोगे किसी और के अकाउंट से तो दोस्तों जो ओटीपी आएगा वो उसके मोबाइल पर आएगा, तो आपको उसके मोबाइल से ओटीपी लेके अपने मोबाइल में फिल करना है, तब जाके आपका पेमेंट पूरा होगा। तो दोस्तों आप इसी तरीके से अपनी एडवांस में ईएमआई पे कर सकते हो, और दोस्तों आप देख सकते हो कि मेरे पास सक्सेसफुल पेमेंट का मैसेज आ चुका है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा कि आप अपनी ईएमआई किसी और के अकाउंट से कैसे पे कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैंने यही प्रोसेस बताया था कि अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है और आप चाहते हो कि आप किसी और के अकाउंट से पेमेंट करो, आप अपनी बजाज की ईएमआई किसी और के अकाउंट से पेमेंट करो एडवांस में, तो आप कैसे कर सकते हो, यही मैंने आपको इस वीडियो में बताया था। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा कि आप किसी और के अकाउंट से एडवांस में पेमेंट कैसे कर सकते हो बजाज कंपनी का। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।